और बड़ी खबर आपको बता दें, ओडिशा में ट्रेन हादसे के 51 घंटे बाद उस रेलवे लाइन को फिर से शुरू कर दिया गया है। बालासोर लाइन पर ट्रेनों की आवाजाही शुरू कर दी गई है। दोनों ट्रैक पर ट्रेनें चलनी शुरू हो गई हैं और इस दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वहां मौजूद रहे। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, जहां कल आप वो तस्वीरें देख रहे थे जो डरा रही थी, परेशान कर रही थी, आज उस रेलवे लाइन को पूरी तरीके से ठीक कर दे। ये तस्वीर आप देखिए, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हाथ हिलाकर जो वहां से वो ट्रेन गुजरी है उसको भी आगे बढ़ाते हुए और साथ ही साथ हाथ जोड़ रहे हैं। एक भावना है अंदर कि किस तरीके से यहाँ पर हमने देखा एक बड़ा हादसा हुआ था, उस वक्त भी रेल मंत्री वहां पर मौजूद रहे। प्रधानमंत्री बैठक दिल्ली में करते हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री वहां पहुंचते हैं, खुद हालात की समीक्षा करते हैं, लगातार मीटिंग कर रहे हैं, लगातार फोन कॉल के जरिए ये निर्देश दिए जा रहे हैं कि सुनिश्चित करिए कि हर किसी का स्वास्थ्य ठीक रहे जो घायल हुआ था और सभी पीड़ितों को मदद पहुंचाई जाए। लेकिन 51 घंटे के अंदर, महज 51 घंटे के अंदर जो ये तस्वीर अब आप देख रहे हैं, ये तस्वीर हादसे के बाद की है जब ये रेलवे पटरी पूरी तरीके से तितर बितर हो गई थी। लेकिन 51 घंटे के भीतर भीतर किस तरीके से इस रेलवे लाइन को पूरी तरीके से ठीक करके आवाजाही फिर शुरू की गई। तत्परता के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने काम करने के आदेश दिए थे, पूरी टीम ने उसी तत्परता के साथ काम करके एक प्रॉपर सिस्टम से दोनों की दोनों पटरियों को रिस्टोर कर दिया है और दुर्घटना के, इस भयानक दुर्घटना के 51 घंटे के अंदर अंदर वापस ट्रेन का मूवमेंट नॉर्मलाइज हो गया है। अभी गाड़ी, पहली गाड़ी अभी आने वाली है। जिंदगियां इस पटरी पर बेपटरी हो गई थी, यहां कई जिंदगियां गई, कई लोगों ने अपनों को खो दिया। लेकिन कहते हैं कि चलते रहने का नाम ही जिंदगी है और इसीलिए शायद कि 51 घंटे के भीतर भीतर इस रेलवे लाइन को, चाहे वो डाउन लाइन हो चाहे वो अप लाइन हो, ठीक कर दिया गया ताकि आवाजाही को पूरी तरीके से फिर से शुरू किया जा सके। प्रियंका कांतपाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। प्रियंका, फिर से शुरू किया गया है इस भावना के साथ, सब कुछ सही रहे और शायद यही कारण है कि रेल मंत्री वहां पर मौजूद रहते हैं, हाथ जोड़ते हैं और फिर से कामना करते हैं कि सब ठीक रहे। देखिए, यहाँ पर ये बात अहम है कि रिस्टोरेशन के काम को महज 51 घंटों में पूरा कर लिया है और रेल मंत्री की जहां तक बात की जा रही है, तो जैसे ही इस घटना की खबर आई थी उसके बाद से रेल मंत्री की मौजूदगी स्पॉट पर देखने को मिली है और लगातार केवल एक दौरा करके रेल मंत्री वापस नहीं गए हैं बल्कि लगातार उसी ट्रैक पर बने हुए हैं। ऐसे में अप और डाउन ट्रैक जिन पर ये एक्सीडेंट हुआ था उनमें से एक ट्रैक जो डाउन ट्रैक है उस पर पहला मूवमेंट भी हो गया, पहली मालगाड़ी भी वहां से गुजर चुकी है, यानी कि ये दोनों ही ट्रैक अब ट्रैफिक के लिए फिट है। ऐसे में माना जा रहा है कि थोड़ी ही देर बाद या कुछ देर बाद जो अप लाइन है जिस पर कोरोमंडल एक्सप्रेस जा रही थी जिसकी वजह से ये पूरा एक्सीडेंट हुआ है उस पर भी हमें जी। प्रियंका लौट रहे हैं आपके पास में, बड़ी खबर आप देख रहे हैं, बड़ी जानकारी देखिए प्रियंका भी दे रही हैं कि दोनों लाइनों को ठीक कर दिया गया है। हम भी ये कामना करते हैं कि आप सब कुछ ठीक रहे और रेल मंत्री जिस तरीके से मौके पर मौजूद रहे हर वक्त, ये दिखाता है कि सरकार कितनी गंभीर है पूरे हादसे को लेकर।